हेलो, स्वागतम, वेलकम। जी हाँ, यही है वक्त फैंटेसी फंडास बाय ड्रीम 11 के लिए। दिस इज वेयर वी डेल्व इनटू प्लेयर्स हु वी आर गोइंग टू पिक फॉर द कमिंग फ्यू मैचेस। जी हाँ, हमारे एमवीपी कौन होंगे, राइजिंग स्टार कौन होंगे, और डार्क हॉर्स पिक जो की पिक होता है वो भी कौन हो सकता है। इस पार्ट जो रहे हैं दोबारा जॉय भट्टाचार्य। जॉय, वेलकम अगेन। थैंक यू गौतम। मजा आ गया आपका तो। लास्ट वीक का डेविड वॉर्नर का पिक एकदम सॉलिड था। बिल्कुल, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि ठीक है आप लोग के टिप्स देते हो, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं करते हो कि कौन पिक किया, सही था या नहीं सही था। इसीलिए वी आर जस्ट गोइंग बैक ऑन अ फ्यू ऑफ आवर पिक्स। जी हाँ, डेविड वॉर्नर तो एक डेफिनेटली थे, और आपका जो करीब 8-10 दिन पहले आपने उमरान मलिक के बात बताए थे एज अ राइजिंग स्टार, और उस टाइम इतने विकेट नहीं लिए थे। सो दीज आर पिक्स की पिक्स टू टॉक अबाउट। एब्सोल्युटली यार, इमरान मलिक ने तो सबको खुश कर दिया, सिर्फ मुझे नहीं पूरे देश को खुश कर दिया। 152-153, और वो टैलेंट तो था, बट वो मैच में क्रूशियल टाइम में जो विकेट भी लिया, और वो जो ओवर उसने डाला, वो 4 विकेट 100 रन में गिरे, वो 150 और 170 का फर्क पड़ गया, और इसीलिए उसके टीम के लिए भी बहुत बहुत ही इज नाउ गिविंग देम वैल्यू। और भूमि जैसे कंट्रोल बॉलर के साथ बॉल करके उससे जो एडवांटेज मिल रहा है दूसरे एंड से, मुझे तो मजा आ गया ये पिक करके। सो इस वीक के लिए पिक्स के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, इसीलिए मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप पार्टनरशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि अगर कोई गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, अगर दूसरी तरफ कोई अच्छा पार्टनर हो, तब वो अच्छा पिक बन सकते हैं। जैसे उमरान मलिक पहले 2 मैचेस में सेटल डाउन नहीं किए थे, 150 तो गेंद फेंक रहे थे लेकिन विकेट नहीं ले रहे थे, उसके बाद वो पार्टनरशिप में सेटल डाउन किए, तो दैट्स व्हाई ही गॉट द विकेट। सो व्हाट इज योर पार्टनरशिप टिप दिस टाइम? देखिए, मेरा तो एक तो आपके साथ जो बात डिस्कस कर रहे हैं कि डेविड वॉर्नर आपके लिए बहुत एडवांटेज हो गया, क्योंकि क्यों, डेविड वॉर्नर ने एक साइड से आप कंटिन्यूअसली पृथ्वी शॉ अटैक कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ अटैक करने से क्या हो रहा है, डेविड वॉर्नर पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, ही कैन चूज हिज शॉट। इसीलिए आपके लिए लास्ट वीक वो बहुत सफल पिक बने, और मेरे लिए इस वीक इसलिए मैं कुलदीप यादव की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि कुलदीप यादव को कोलकाता में कोई चांस नहीं मिला था, और मुझे याद है 2019 में उसने 9 मैचेस खेले थे, सिर्फ 4 विकेट लिया। 2020 में 5 मैच 1 विकेट, 21 में तो खेला ही नहीं, और वो इस साल 6 मैचेस में 13 विकेट ले चुका है। वन ऑफ द रीजन वो इतने सक्सेसफुल है क्योंकि अक्षर पटेल बॉल कर रहे हैं दूसरे एंड से। अक्षर पटेल बहुत कंट्रोल्ड बॉलर है, उसे मारना मुश्किल है, और क्या हो रहा है, अक्षर पटेल, मुस्तफिजुर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं कुलदीप यादव के अगेंस्ट। कुलदीप यादव के अगेंस्ट रिस्क लेने से आप विकेट मिलेगा, और इसीलिए मेरा डार्क हॉर्स पिक कुलदीप यादव है इस वीक के लिए। चलिए, आपने ऑर्डर तो चुन लिया, वी आर स्टार्टिंग विद डार्क हॉर्स दिस वीक। अगर आपका डार्क हॉर्स है कुलदीप यादव, मैं ले रहा हूं एक शख्स जो जनरली एमवीपी कैटेगरी में होते हैं, शायद 2008 में अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो राइजिंग स्टार बनते। बात कर रहे हैं विराट कोहली का। तो द रीजन वी आर पुटिंग हिम इन डार्क हॉर्स कैटेगरी, बहुत लोग बोल रहे हैं यार क्या हो गया विराट को, रन नहीं बना रहे। इफ यू लुक एट इट, he is making the runs but he has had a bit of bad luck, ki run out ho gaye strikers end pe, non strikers end pe, pehli gend pe thoda rising delivery se point mein catch out ho gaye, lekin joy main keh raha hu is baar ki ek to law of averages hai, dusra to class hai permanent, aur khel rahe hain sunrisers aur rajasthan ke khilaf, lag raha hai abhi settle down karke is baar bahut points banenge। ye to mujhe bhi lag raha hai, kyunki jitna आप जो कहे, जितना बैड लक होना तो हो ही किया है, इससे ज्यादा और क्या बैड लक होगा इस सीजन के लिए। बट अच्छा पिक है विराट, मेरे लिए बहुत ही सॉलिड पिक है इस वीक के लिए। चलिए हम मूव करते हैं इस बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में, और मुझे लग रहा है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी आपके लिए विराट कोहली के टीम में से कोई है। हाँ जी, दे आर हैविंग अ फैंटास्टिक सीजन, बैंगलोर का बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा है, मुझे फैफ डुप्लेसी पसंद है क्योंकि वो ओपन कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि उन वो अपने आप प्रेशर नहीं ले रहे दूसरे को, अदर्स आर अटैकिंग, दिनेश कार्तिक इज अटैकिंग, शाहबाज अहमद इज अटैकिंग टुवर्ड्स द एंड, तो उन पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ग्लेन मैक्सवेल है, विराट कोहली कभी ना कभी तो फॉर्म में आ ही जाएंगे, तो क्या है, फाफ डुप्लेसी अपना नेचुरल गेम खेल सक रहे हैं, और वो नेचुरल गेम खेलने से वो कभी 170-180 स्ट्राइक रेट नहीं करते, वो शुरू करते हैं 100-120 से, फिर 130-135-140 तक ले जाते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड प्लेयर है और ऑलरेडी 250 रन बना चुके हैं, वो एकदम बेडरॉक है। 2 अच्छे गेम है, राजस्थान के अगेंस्ट गेम है,
मुझे लग रहा है और रन मिलेंगे। चलिए और एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ जो इस बार हम नहीं बताएंगे लेकिन दो बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है राहुल त्रिपाठी। अगेन लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि दो अलग कैटेगरीज में आए हैं राहुल त्रिपाठी, एक डार्क हॉर्स कैटेगरी में, उसके बाद एमवीपी कैटेगरी में, और राहुल त्रिपाठी तो इज मेकिंग रन फॉर फन, सो वी विल जस्ट कीप हिज नेम देयर। अगर कोई भी मैच हो आप चुन लीजिए। करेक्ट करेक्ट। लेकिन इस बार मेरा पिक जो है वो है अपना बिग शो। कोइंसिडेंस है कि हम सब बैंगलोर प्लेयर्स ही जा रहे हैं आज। हाँ ये तो थी, एक तो थीम हो जाता है, एक पहले बार हमारे पिछले बार हमारे थीम था डी कंपनी, जो डी प्लेयर्स जो डेविड थे तो वही थे, डेविड डिवाल्ड और दिनेश, डेविड डिवाल्ड दिनेश, वो हमारा थ्री डीज थे। तो इस बार थोड़ा थीम है, ठीक है बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं, अगर टीम अच्छा कर रहे हैं तो प्लेयर भी अच्छा कर रहे हैं, अगर प्लेयर अच्छा कर रहे हैं आप पॉइंट बना रहे हैं, तो वही है सोने पे सुहागा। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ग्लेन मैक्सवेल अगर एक दो ओवर भी दे रहे हैं, जैसे फील्डिंग पोजिशन में है वो कैच भी लेंगे, और अगर 20 रन भी बना रहे हैं तो 20 रन ऐसे स्ट्राइक रेट पे बना रहे हैं कि आपको पॉइंट बन जाएगा, तो दैट इज माय एमवीपी। पर जॉय इस बार खास राइजिंग स्टार कौन हो सकता है? देखिए राइजिंग स्टार तो इस साल बहुत है और मैंने बहुतों को देखे, वैभव ओडर ठीक ठाक बोलिंग किया था, तिलक वर्मा ने ठीक ठाक बैट किया, ब्रेवाल्ड ने बैट किया, बहुत राइजिंग स्टार है। बट मेरे लिए इस वीक मैंने चुना है किसी को जिसने, ही इज नॉट एग्जैक्टली यंग, 26-27 ईयर्स ओल्ड, बट सॉलिड बैट्समैन है, विदर्भ के बैट्समैन है, जीतेश शर्मा, पंजाब के लिए खेलते हैं। और जीतेश शर्मा मैं चूज इसलिए किया हूँ क्योंकि पैराडॉक्सली क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत छह में बैट करते हैं, लेकिन पंजाब जितने रिस्क ले रहे हैं ना उन्हें हर बार 10-12 ओवर मिल रहा है चांस खेलने के लिए, और वो जो पोजीशन में खेलते हैं वो स्ट्राइक रेट 122 रन बनाए हैं बट एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 164, तो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। पंजाब का बैटिंग ऑर्डर का एटीट्यूड है अटैक अटैक अटैक, तो विकेट भी गिर जाते हैं, उन्हें चांस मिलता है छह में बैटिंग करने के लिए, मुझे लग रहा है उन्हें और रन मिलेगा। बिल्कुल, और आई कैन टेल ऑल ऑफ यू कि आई डोंट नो जॉयस चॉइसेस, जॉय डजंट नो माय चॉइसेस, लेकिन तब भी कोई ना कोई एक थीम बन जाता है, कोई ना कोई कोइंसिडेंस हो जाता है, और इस बार यही कोइंसिडेंस हुआ कि जॉय ने एक शर्मा चूज किया, मैंने भी एक शर्मा चूज किया। नहीं, आई हैव नॉट पुट रोहित शर्मा इन द राइजिंग स्टार कैटेगरी येट, आई एम टेकिंग अ बेबी फेस। अगेन बिल्कुल युवा खिलाड़ी नहीं है, ही इज बीन अराउंड बट ही स्टार्टिंग टू डिस्कवर हिमसेल्फ बिकॉज उनको मौका मिल रहा है अप द ऑर्डर। जॉय अभिषेक शर्मा, एक टाइम था जब अभिषेक शर्मा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो शायद 2-3, 10-15 बॉल खेल सकते थे, लेकिन इस बार अगर वो ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं और बोलिंग विल बी अ बोनस फॉर हिम, आई थिंक इज ऑलवेज अ गुड पिक। बहुत अच्छा पिक है, और देखिए टीम जब अच्छा कर रहा है ना तब सब कुछ अच्छा हो जाता है, हम इसीलिए हम लोग बैंगलोर पिक कर रहे हैं क्योंकि टीम भी सक्सीड कर रहा है, ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और अगर एक दो मैच और जीत जाए बैंगलोर अपना जगह, दे विल लॉक देयर प्लेसेस इन द स्पॉट एंड वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका जो चॉइस है गिवन हाउ दिस टीम इज परफॉर्मिंग, अभिषेक शर्मा, वो 4 विन्स सडनली जो आ गए हैं बहुत अलग दिख रहा है, वो सनराइज वो जो हैदराबाद का टीम दिख रहा है बहुत ही अलग दिख रहा है आज। चलिए इस पर देखेंगे बैटल ऑफ द शर्मास कौन जीतते हैं अगले बार, तो हम आएंगे अगले बार हम आपको बताएंगे कि हमारे पिक्स के बीच किसको ज्यादा पॉइंट मिला, और ये थोड़ा जो इंटरनल बैटल है ये भी हम रिजोल्व कर देंगे। एक बार हम रिकैप करते हैं इस बार के लिए हमारे पिक्स कौन है। जॉय के लिए है फ्रांसवा यानी कि फाफ डुप्लेसी, अपना फेवरेट कुलदीप यादव और जितेश शर्मा, और मेरे लिए है बिग शो जीएम ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली विद अपोलॉजीज, जस्ट He'll be back in MVP category very soon. And the other Sharma, Abhishek Sharma, the man in orange. So we will see who picks up what points. Bahut bahut dhanyawad Joy. Hum dobara maujood honge right here with the same prospects on Fantasy Fundas by Dream 11.